क्या 50 साल पुराना टीवी में इंटरनेट से यूट्यूब चल सकता है? तो हे दोस्तों, आप लोग वी फॉर ऑडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा ही पता करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चार अलग अलग जनरेशन की डिस्प्ले होंगी और प्लान यही है चार जनरेशन की डिस्प्ले को एकदम स्मार्ट डिस्प्ले बनाना और उसमें आजकल के स्मार्ट चीजें चलाना। यहाँ पे मैं हर एक जनरेशन की डिस्प्ले इसलिए यूज करूँ कि बाय चांस अगर किसी को अपने घर में जुगाड़ लगाना हो तो अपने घर में भी लगा पाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहली डिस्प्ले है वो करीब 5 साल पुरानी है, यानी कि लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन हाँ इतनी पुरानी भी नहीं है। इसमें आपको मिलता है एक HDMI पोर्ट, एक VGA पोर्ट, यानी कि सिर्फ 2 पोर्ट मिलते हैं और ये कोई स्मार्ट डिस्प्ले भी नहीं है, सिंपल एक मॉनिटर है 5 साल पुराना। तो यहाँ पे हमने इस मॉनिटर को स्मार्ट बना दिया। जैसे मैंने रिमोट से ऑन किया, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कुछ ही सेकंड में वो सारी चीजें जो कि आजकल के स्मार्ट टीवी में होती है। मैं आपको बता दूं, कोई स्मार्ट टीवी नहीं है, ये पुराना मॉनिटर ही है। और यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, हॉटस्टार और यूट्यूब सब मिलते हैं। ये देखिए, मैं आपको यूट्यूब प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये हो गया यूट्यूब प्ले। क्योंकि इस मॉनिटर को मैंने स्मार्ट कर दिया तो हम लोग इसमें वॉइस सर्च करके भी कंटेंट देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ FWS और यहाँ पे मेरा चैनल आ चुका है और हम लोग जो चाहें वो वीडियो देख सकते हैं। बस हमें अपने इस स्मार्ट जुगाड़ को वाईफाई से कनेक्ट करके रखना है। और ये देखिए, मेरा लेटेस्ट वीडियो भी प्ले हो गया, लेकिन यहाँ पे तो भाई एप्पल की ऐड आने लगे। तो यहाँ पे मैंने आवाज़ के लिए जोड़ रखा है एक अलग से साउंड। आप लोग कोई भी ब्लूटूथ साउंड जोड़ सकते हैं इस जुगाड़ में। लेकिन यहाँ पे अभी तक तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने किस जुगाड़ का यूज़ करके इन सारी डिस्प्लेस को स्मार्ट बना रहा, भाई वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सारी का सारी डिस्प्लेस में टेस्टिंग कर लूँ ताकि आपको ये तो पता लग जाए कि हमारा जुगाड़ 100% वर्क करता है। यार कुछ भी हो, इस 5 साल पुराने डिस्प्ले में भी क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त आ रही है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की जनरेशन को थोड़ा और पीछे करते हैं और यहाँ पे हमारे पास 12 साल पुरानी कंप्यूटर डिस्प्ले जो कि एकदम ही लुंजपुंज हो गई है, लेकिन अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन भाई साहब, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस डिस्प्ले में HDMI पोर्ट ही नहीं है क्योंकि काफी पुरानी डिस्प्ले है, उस टाइम पे HDMI पोर्ट आता ही नहीं था क्योंकि हमारा जुगाड़ चलता है HDMI पोर्ट से। जी हाँ, यही है आज का जुगाड़ जिससे कि मैं सभी डिस्प्ले को स्मार्ट डिस्प्ले बना रहा हूँ। MI टीवी स्टिक, आजकल अमेजोन में कई सारी अलग कंपनी की आपको टीवी स्टिक मिल जाएंगी जिससे आप अपने किसी भी पुराने टीवी या फिर किसी भी डिस्प्ले को स्मार्ट बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और वही मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे MI कंपनी के मेरे पास है और मैंने OLX से खरीदा है सिर्फ 1500 रुपये में। आप लोग नई चाहे नई ले लें या फिर पुरानी चाहे पुरानी ले लें। तो अब देखिए प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे ये HDMI पोर्ट है और यहाँ पे ये VGA पोर्ट है, अब कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे भी मैंने इसका सलूशन खोज निकाला है। तो यहाँ पे अब हमें जरूरत होगी HDMI टू VGA कन्वर्टर की, जहाँ पे हम लोग इसके एक तरफ इनपुट में कोई भी स्टिक लगा सकते हैं इस तरीके से और आउटपुट में यहाँ पे हम लोग VGA केबल लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमें एक ऑडियो पोर्ट भी मिलता है जहाँ पे ऑक्स केबल के जरिए हम लोग कोई भी स्पीकर भी कनेक्ट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। हमें इस कन्वर्टर को पावर भी देना होगा, एक पावर केबल इसी के साथ हमें मिल जाएगी। ये 12 से 15 साल पुराना मॉनिटर तो स्मार्ट हो गया लेकिन इसका व्यूइंग एंगल इतना खराब है कि आपको एकदम इसके सामने 90 डिग्री पे बैठना होगा तभी शायद आप ऐसे पुराने डिस्प्ले में कुछ देख पाएंगे। ये देखिए, आई थिंक अब आपको दिखाओ इसकी प्रॉब्लम तो आप समझ गए होंगे क्या है। तो अब इससे भी थोड़ा पुरानी जनरेशन में जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं उठा लाया 25 साल पुराना कंप्यूटर मॉनिटर, अब इसे बनाएंगे स्मार्ट। यहाँ पे इसका साइज तो देखो कितना ज्यादा चौड़ा CRT मॉनिटर है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज नोटिस करी कि इसमें केबल जो है लगी हुई आती है, अलग से केबल नहीं आती। एक चीज तो है कि इसमें VGA केबल है और सिंपली हमको इसको लगाना है। अब देखते हैं ये सक्सेसफुली चलेगा या नहीं, स्मार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। ये मैंने लगा दिया, अब क्या आया है वहां पे? ओ गजब भाई, यहाँ पे एक बात तो है, इसमें क्वालिटी ज्यादा बेटर आ रही पिछले वाले मॉनिटर की तुलना में। मुझे ऐसा लगा ये मॉनिटर ने मेरे पैसे अदा कर दिए। मैंने इसे भी OLX पे 900 रुपये में खरीदा था सेकंड हैंड, और सच में मजा आ रहा है इतने पुराने मॉनिटर में आज का वीडियो देखते हुए एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने इस मॉनिटर को भी स्मार्ट मॉनिटर बना दिया इस जुगाड़ की मदद से। अब आते हैं पुराने टीवी पे, पुराने टीवी को भी बनाते हैं स्मार्ट टीवी और देखते हैं ये जुगाड़ उन टीवी पे वर्क करेगा या नहीं। तो ये रहा 35 साल पुराना टीवी
सबसे पहली बात भाई ये खुद ही चालू हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। इसमें इंटरनेट चलाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल टास्क होगा। तो लगाते हैं इसमें प्लग, देखते हैं ये ऑन होगा या नहीं। और आई थिंक ये हो गया है ऑन। लेकिन अब भाई यहाँ पे भी एक दिक्कत है, इस टीवी में VGA पोर्ट भी नहीं है, यहाँ पे आता है TV AV वाले पोर्ट। अब कैसे इसमें इंटरनेट जोड़ें, ये तो नई दिक्कत है। तो इसका जुगाड़ भी अमेजोन में मिल जाएगा, जो कि है ये HDMI to AV कन्वर्टर। ये देखिए यहाँ पे HDMI लगेगा और यहाँ पे TV की केबल्स लग जाएंगी, है ना कमाल की बात। फाइनली देखते हैं ये इतना पुराना TV स्मार्ट होगा या नहीं। बहुत सारे वायर का जाल यहाँ पे फैला हुआ है, इसी जाल में लगाते हैं अपना पहला केबल। कुछ आया दूसरा केबल। क्या हमारा TV स्मार्ट हुआ? शायद मुझसे केबल गलत लग गई, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। व्हाइट ऑडियो की और रेड वीडियो की। गजब। ओ भाई साहब ये देखिए YouTube चल रहा है हमारे इतने पुराने TV में, वो भी बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे मैं बजाता हूँ एक कोई सॉन्ग या फिर यहाँ पे लगाता हूँ अपना ही वीडियो इसमें, और ये मेरा वीडियो हो गया प्ले। इतने पुराने TV में YouTube चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, Netflix चला जा रहे, वाह आवाज भी इसी से आ रही है। तरीके से आप लोग अपने किसी भी पुराने TV या फिर मॉनिटर को स्मार्ट बना सकते हैं और उन्हें फेंकने की बजाय एक बार फिर से यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 1500 से 3000 रुपए के खर्चे में। अगर आप लोग सेल में ये डिवाइस लेंगे तो आराम से 2000 रुपए में मिल जाएगा। मैंने सारी चीजों की लिंक जो कि वीडियो में मैंने दिखाया है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहां पे जाके इसे अमेजोन से ले सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में कोई और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तो टाटा बाय बाय। और ये क्या है?